थोडी पंचायत विनंती असतो रे, मॅच लवकर लवकर चालू करून घ्यायचे पंच. पुन्हा एकदा एक चांगली लढत, मोठी लढत असणार मित्र, बिग बॅटल पडणार आहोत नक्कीच. एमसीसी मुरुड ऑर्गनाइज ऐसे मुगेज का देखिए पहला बल्लेबाज दानिश बैक टू पवेलियन जा रहे, पहले विकेट का पतन होता हुआ. जहां पर देखिए अगले बल्लेबाज मैदान के अंदर, तीन ओवर का मुकाबला. जहां पर देखिए जाए तो इस मुकाबले के अंदर बात की जाए, देखिए दोनों टीमों के लिए नॉकआउट मुकाबला बीच मैदान के अंदर. जो हारेगा उसका घर का रास्ता तो यह है दोस्तों, जो जीतेगा उसका फाइनल के राह में बनना हुआ सामना दिख रहने वाला है. इस मुकाबले की अंदर बात की जाए, कड़ा मुकाबला बिग बैटल दिख रही है. जहां पर सारंग बना मुगिस के बीच मुकाबला, जहां पर सारंग के कैप्टन ने टॉस जीता. टॉस जीतने के साथ पहले फील्डिंग का फैसला आकिब आ रहे हैं. देखिए आकिब अगले बल्लेबाज मैदान के अंदर, दानिश पहली ही गेंद पर बैक टू पवेलियन लौटते हुए थोड़ा सा निराश किया. देखिए गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अरफात गिरबादी कर अपने कोटे से बड़ी टीम की ओर से पहली बार लेकर अरफात गिरबादी मार्क पर. देखिए फील्डिंग की रास्ता दीजिए, मिड विकेट मिड ऑन, एक सकवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद. इस भारत की गेंद, देखिए थोड़ा सा गेंद में मिश्रण किया था, हल्की गेंद फेंकी थी, जरूर एक रन मिलेगा. आकिब जहां पर आकिब की बात की जाए, डीआईसी से मुंगेज की ओर से एक आक्रामक धमाकेदार बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर दाखिल हो रहे हैं. जहां पर अपने टीम का खाता खोलेंगे एक रन के साथ स्ट्राइकर बल्लेबाज फहद, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज आकिब. देखिए दोनों बल्लेबाजों को इस बार पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा, पार्टनरशिप को बिल्ड करना पड़ेगा. अगर इस मुकाबले के अंदर बने रहना है, टूर्नामेंट के अंदर बने रहना है. शॉट गेंद देखिए गेंद दशा से भटक रही है, यानी कि देखिए वाइड का इशारा आने वाला है जरूर. इस बार रन लेना चाहते थे लेकिन फहद ने रोका, अंपायर का इशारा था वाइड, वाइड के साथ रन संख्या कुल मिलाकर जो पहुंच रही. जहां पर दो रन बने की दो गेंद हो चुकी है. जहां पर अरफात गेंदबाजी कर रहे, देखिए अपने कोटे से पहली टीम की ओर से पहली बार लेकर मौजूद गेंदबाजी मार्ग पर. एमसीसी मुरुड ऑर्गेनाइज एक बड़ी टूर्नामेंट देख रही है. जहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाफ फील्डर मौजूद है, विकेट का पतन होगा. बल्लेबाज फहद बैक टू पवेलियन, देखिए दूसरे विकेट का बर्तन. जहां पर एक गेंदबाजी लालच बुरी बला है, देखिए बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी गेंदबाजी शॉर्ट पिच हो रही है और उस पर प्रहार करना चाहते थे, धमाकेदार बल्लेबाजी करना चाहते थे लेकिन फील्डर मौजूद और बल्लेबाज बैक टू पवेलियन. दूसरे विकेट का पतन उतबा. जहां पर देखिए अरफात क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे, देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आ रहे. देखिए मुगिस की टीम यहाँ पर हम देख रहे हैं. अगले बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर आ रहे हैं, बैट्समैन ने बताना है नवीद आ रहे हैं. देखिए बल्लेबाजी के लिए जावेद आ रहे हैं. जावेद देखने वाली बात, किसी बल्लेबाजी करते अपनी टीम के लिए. नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की बात कीजिए तो आकिब स्ट्राइकर बल्लेबाज जावेद आईसीसी बुकेज की ओर से गेंदबाजी के लिए. फिर से एक बार हो तो इस बार खराब गेंद फेंकी, देखिए खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा आना बाकी, डेड बॉल है. देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है दिशा से भटक रहे थे गेंदबाज, थोड़ा सा गेंद मुझे लग रहा है हाथ से फिसलता हुआ और डेड का इशारा था. यानी कि आगे गेंद की तरफ चली हुई. जहां पर अरफात क्या कमाल की गेंदबाजी कर रही थी, किफायती गेंदबाजी कर रही है. अभी तक हाथ खोलने का मौका नहीं मिला है देखिए बल्लेबाजों को. जहां पर जावेद स्ट्राइक पर तैनात, राइट हैंड बड़ा वनडे विकेट के साथ आगे गेंद. इस बार फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल. अतबा जहां पर अरफात दिशा से भटक रहे, देखिए दिशा खराब तो दशा खराब होने वाली है इस मुकाबले के अंदर. बात की जाए रन संख्या कुल मिलाकर जहां पहुंचे तीन रन पर, दो विकेट के नुकसान पर. जहां पर पांच गेंद फेंकी है, तीन गेंद फेंकी, तीन गेंदों के अंदर अभी तक देखिए तीन रन बने हैं दो विकेट के नुकसान पर. राइट हैंड बड़ा वनडे विकेट के साथ गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार तैनात. जहां पर दापोली इवेंट्स के माध्यम से
ओहो, फिर से एक बार देखिए दिशा से मुझे लग रहा है भटकने वाली है, दिशा खराब तो दशा खराब होने वाली है, यानी कि वाइट का इशारा आ रहा है। देखिए फिर से एक बार अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिलने वाला है दोस्तों। देखिए इस मुकाबले के अंदर आपको बने रहना है, तो फ्रीड का मौका अभी तक बना हुआ है, जहां पर चाविद के पास मौका है। देखिए मौके के ऊपर चौका नहीं तो छक्का लगाना पड़ेगा, धमाकेदार बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस टूर्नामेंट के अंदर बने रहना है। नॉकआउट मुकाबला चलता हुआ, सारंग जीतेगी या मुगिल जीतेगी ये आने वाला समय बताएगा दोस्तों। राइट अप और द विकेट के साथ, देखिए फुल टॉस गेंद को उड़ाया, देखिए गेंद के नीचे फील्डर आ रही है, लेकिन वन बाउंस सी मारेगा की तरफ, मिलेगे चार तो होगा बेड़ा पार। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जावेद के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, क्या अच्छी बल्लेबाजी करे। देखिए फ्रीड का मौका था, मौके के ऊपर जड़ा है चौका, और ऐसी बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। दर्जेदार फलंदाजी करावा लागेल या टूर्नामेंट मध्ये, तुम्हाला ट्रायचा असेल तर नक्कीच। पुन्हा एकदा जाऊया गोलंदाजी मार्गावर, गोलंदाज अरफात खराब गोलंदाजी करतो मित्रांनो, नक्कीच। राईट अप ओव्हर द विकेट, चांगला फटका फटका जातो मित्रांनो मिड विकेटच्या क्षेत्रात, नक्कीच एक धाव पुन्हा, दुसरी धाव पुन्हा, नक्कीच दोन धावा भेटतील, दोन धाव नक्की, धाव संख्या दहा, दोन गडी बाद। जहां पर बात की जाए तो अरफात खराब सी गेंदबाजी कर रही है, जहां पर बात की जाए तो इस बार राइट हम और द विकेट के साथ गेंदबाजी करे, फिर से एक बार देखने वाली बात। इस बार अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज बैक टू पोविडियन विकेट को बदलो दबा, इस बार जावेद लौटेंगे बैक टू पोविडियन, एक तेरी तो एक मेरी, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं, देखे कह रही है कमॉन डीज। थैंक यू डीजे, थैंक यू। एक ओवर का खात्मा, एक ओवर के खात्मे के बाद कुल मिलाकर 10 रन बनी है, जहां पर डीआईसी से मुगिज की ओर से हम देख रहे हैं, जहां पर बुरान मौजूद नहीं आ रहे, जरूर बुरान एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, दापुली जो कि दापुली 11 की तरफ से खेलता है, जरूर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज डीआईसी मुगिज की तरफ से नजर नहीं आ रही है। अगर बात की जाए तो आलिम जैसा खिलाड़ी नहीं नजर आ रहे, यानी कि थोड़ी सी मुगिज की टीम बैट्समैन नेम की बात की जाए तो शहबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, शहबाज और स्ट्राइकर बल्लेबाज आखिब अभी तक खड़े। देखे ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत के वक्त में खड़ा वो सबसे बड़ा होने वाला है। देखे गेंदबाजी के लिए, ओह इस बार अच्छी गेंद थी, देखा गेंद ने काटा बदला था, गेंद सीधा कीपर के दस्तर में निकल रही, जहां पर कमाल की गेंदबाजी हो रही है बॉलिंग मार्क पर। देखिए रोहित गेंदबाजी मार्क पर, जहां पर देखिए इस मुकाबले के अंदर जो जीतेगा वो इस टूर्नामेंट के अंदर बने रहेगा, जो हारेगा उसका घर का रास्ता तय है दोस्तों। मुगिज बना सागरंग के बीच मुकाबला चलता हुआ, जहां पर आखिर बल्लेबाजी मार्क पर नजर आ रही है गेंदबाजी के लिए। देखिए गेंदबाज रोहित, ओहो लाजवाब गेंदबाजी कर रहे, देखिए गेंद ने फिर से एक बार काटा बदला था, किफायती गेंदबाजी हो रही है। शहबाज खल्फे की बात की जाए तो बैट के लिए एक कस्टमर आया है शहबाज खल्फे, कॉमेंट्री बॉक्स में दिया, थोड़ा सा कैमरा थाम पहुंचा है। फिर से एक बार चलते मैच की तरफ, जहां पर कमाल का मुकाबला चलता हुआ, राइट अप और द विकेट के साथ गेंदबाजी कर रहे रोहित। ओहो अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला गेंद को, गेंद मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल हो रही, जहां पर सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर जा पहुंच रहे 11 रन पर, 3 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच मित्रांनो, येणाऱ्या काहीच वेळात एक मोठी स्पर्धा तुमच्या भेटी लागत आहे, 19, 20, 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी मित्रांनो एसके स्पोर्ट्स ऑर्गनाइज, नक्कीच एक मोठी स्पर्धा तुमच्या भेटी लागत आहे, नक्कीच ऑर्गनाइज शहबाज खल्फे यांच्याच माध्यमातून ही स्पर्धा तुमच्या भेटी लागत आहे मित्रांनो। चांगला फटका फटका जातो मित्रांनो, खरा क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय, चेंडू जातोय डिक्लेरेशन एरियामध्ये दोन धावांसाठी, देखिए इस बार मुझे लग रहा है कि 3 रन मिलेंगे, 3 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन पर जा पहुंच रही है। अंपायर का इशारा आ रहा है, देखिए 2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन पर जा पहुंच रहे। देखिए एक मोटी स्पर्धा मित्रों तुम्हारे भेटी लगता है, ऐतिहासिक आजाद मैदान दापोली चत मध्य, नक्कीच ऑर्गनाइज एसके स्पोर्ट दापोली यांच्या माध्यमातून 19, 20 आणि 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी ही स्पर्धा तुमच्या भेटीला जाईल नक्कीच। चांगला चेंडू आहे, चांगला चेंडूवरती चांगला प्रहार, चेंडू पॉइंटच्या दिशेने ट्रॅव्हल होते मित्रांनो, नक्कीच दोन धावा भेटतील, दोन धावाने धाव संख्या
धाव फलकावरती 15 धाव संख्या जाते हैं। 3 गड़ी बाद डीआईसीसी मुगिज की ओर से बल्लेबाजी के लिए आकिब क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बड़ी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने जा रही है जहां पर शहबाज खल्फे जो कि ऑर्गेनाइजर रहने वाले हैं। देखिए एक बड़ी टूर्नामेंट है, शहबाज खल्फे की ओर से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया जहां पर 19, 20, 21 फरवरी 2024 के अंदर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। ऐतिहासिक आजाद मैदान दापोली के अंदर फिर से बचे थे रोहित गेंदबाजी मार्ग पर उड़ाना चाहते थे। देखिए फिर से एक बार गेंद देखा टप बदला, गेंद सीधा कीपर के दस्तर में निकल रही है जहां पर किफायती गेंदबाजी वर देखिए लाजवाब मैग्निफिसेंट गेंदबाजी। दो ओवर का खात्मा, दो ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 15, 3 विकेट के नुकसान पर कमांडेड है। गेंदबाजी के लिए देखिए गेंदबाज तालीम गेंदबाजी मार्ग पर और स्ट्राइकर बड़े शहबाज और इस बार अच्छी गेंद गेंद को खेला। देखिए इस बार गेंद ट्रैवल हो रही है स्लीपिंग आउट की दिशा में, थर्ड मैन फाइंड की दिशा में एक रन मिलेगा और एक रन के साथ रन संख्या पहुंच रही 15 रनों पर रन संख्या। 3 विकेट के नुकसान पर 16 रनों पर रन संख्या जा पहुंच रही है, 16 रन बने हैं। और जहां पर बल्लेबाजी की बात की जाए स्ट्राइकर बल्लेबाज शहबाज, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज आकिब गेंदबाजी के ताली मार रही है जहां पर अपने कोटे से देखे शहबाज के राइट और विकेट के साथ गेंदबाजी के लिए अच्छा शॉट खेला। देखे वहां पर फील्डर मौजूद, क्या विकेट का पतन होगा, कैच ड्रॉप होते भी एक रन आसानी के साथ मिलेगा, दूसरा लेना चाहते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मिलता है। यहां पर देखे कमाल का मुकाबला चल रहा बीच मैदान के अंदर, बल्लेबाज शहबाज अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। देखिए पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा, सेंसिबल क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। रन संख्या की बात की जो रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन पर जा पहुंच रही है जहां पर बल्लेबाजी के लिए शहबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शॉट गेंद को पुल करना चाहते थे। गेंद थर्ड मैन फाइंड की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है, जब तक देखिए गेंद ट्रैवल एक रनों के लिए हो रही है जब रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन पर जा पहुंच रही है और रन संख्या की बात की जाए रन संख्या कुल मिलाकर 18। रन संख्या की बात की जाए रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन पर जा पहुंच रही है। गेंदबाजी के लिए तालीफ गेंदबाजी कर रहे, शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही लगातार, थोड़ी सी खराब गेंदबाजी कर रहे। देखो शहबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे मैदान के अंदर। रन संख्या की बात की जाए रन संख्या कुल मिलाकर 19, 3 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी मार्ग पर शहबाज राइट अप ऑन द विकेट। फील्डिंग की रचना देखी जाए मिड विकेट मिड ऑन एक सेकंड लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद। ओहो इस बार अच्छी गिनती गेंद सीधा निकल रही है जहां पर रन आउट के रूप में बल्लेबाज चले गए बैक टू बैक। देखिए आकिब लेना चाहते हैं स्ट्राइक और स्ट्राइक पर आएंगे जरूर एक बड़ा प्लेयर। आकिब की बात की जो था आखिरी गेंदों के ऊपर ये प्रहार कर सकते हैं, धमाकेदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। देखिए मैदान के अंदर बात की जाए रन संख्या कुल मिलाकर बनी है 19, 4 विकेट के नुकसान पर जहां पर गेंदबाजी के लिए तालीम गेंदबाजी कर रही है। अगले बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइकर बल्लेबाज की बात की जाए तो देखिए आकिब बल्लेबाजी कर रही है, थोड़ा सा देखिए बड़े शॉट खेलने हो गए। अगर इस मुकाबले के अंदर बड़े रन है, 4 गेंद हो चुकी, 2 गेंद आना बाकी जहां पर तालीब गेंदबाजी कर रहे। देखिए मिड विकेट मिड ऑन एक स्ट्राइकर लॉकर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, अगली गेंद तालीब की। ओहो इस बार देखिए गेंद ने काटा बदला, गेंद सीधा कीपर के दस्तर में निकल गई। देखिए जितने भी इनके गेंद आने वाले उतना प्रेशर देखिए बिल्ड होते मतलब बीच मैदान के अंदर। रन संख्या की बात की जाए रन संख्या कुल मिलाकर 19, 4 विकेट के नुकसान पर दिख रही है जहां पर डीआईसीसी मुगिज थोड़ा सा संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, स्ट्रगल करते नजर आ रहे। देखिए फिर से एक बार अच्छी गेंद, इस बार देखिए अंपायर का इशारा, 3 ओवर का खात्मा हो रहा है। देखिए 3 ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन बने हैं, यानी कि देखिए इस बार संघर्ष करते जरूर नजर आ रही है। कुल मिलाकर बात की जाए तो 3 ओवर का खात्मा होता हुआ, 3 ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 19, 4 विकेट के नुकसान पर। अगर इस मुकाबले को सारंग को जीतना है तो 18 गेंदों के ऊपर रन बनाने हैं 20। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और डीजे की तरफ चलते, कम ऑन डीजे।
छठे मैच की तरफ यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों है तो स्टार्टिंग आपने बल्लेबाज लगाना जैसे जैसे सलाम में भी मोहित बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर बैठा है जहां पर 18 गेंदों के अंदर 20 रनों का टारगेट सेट हुआ है। तो अगर डीआईसीसी मुगिस की बात की जाए तो फील्डिंग लगा चुके हैं, फील्डिंग की रचना देखी जाए मिड विकेट मिड ऑन एक्स्ट्रा के ऊपर नॉक आउट की तरफ खिलाड़ी मौजूद जहां पर डीआईसीसी मुगिस की हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर 20 रन बना रहे जहां पर दोनों बल्लेबाज बीच मैदान के दराखिल होते हुए 16 17 और 18 ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। अभय फाइटर्स इसी ग्राउंड के अंदर एक बड़ी टूर्नामेंट का देखिए ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अभय फाइटर्स ओरम क्रिकेट स्पर्धा। नक्कीच मित्रांनो एक मोठी स्पर्धा तुमच्या भेटीला येत आहे, याच ऐतिहासिक मैदानावरती स्पर्धेचं नक्कीच आयोजन करण्यात येणार आहे। प्रथम क्रमांक प्रथम क्रमांक 15,000 द्वितीय क्रमांक 10,000 याच अभय फाटर यांच्या माध्यमातून स्पर्धा नक्कीच ऑर्गनाइज केली जाते। मित्रांनो नक्कीच कोणाला या स्पर्धेमध्ये खेळायचं असेल तर नक्कीच नाव नोंदणी करून घ्यायचं आहे। 18 गेंदे 18 गेंदो के तर संख्या कुल मिलाकर 20 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर बल्लेबाज की बात की जाए तो बल्लेबाज के लिए तैनात राइट आर्म और द विकेट के साथ गेंदबाज के लिए देखिए इस बार आखिरी बार हल्के हाथों से गेंद को पॉइंट की दिशा में गेंद को ट्रैवल किया जहां पर फील्डर मौजूद शहबाज। देखिए शहबाज गेंद को जब तक खेलते हैं तब तक एक ही रन मिलेगा। दो रन के साथ देखिए इस बार खाता खुल रहा है बीच मैदान के डीआईसीसी मुंगेर की। मुझे लग रहा है थोड़ी सी टीम इस बार पूरी टीम नजर नहीं आ रही, जैसे प्लेइंग इलेवन की बात की जाए बुरान जैसा बड़ा खिलाड़ी, आलिम जैसा बड़ा खिलाड़ी, बरकत नजर नहीं आ रहे, बुरान नहीं नजर आ रहा, आलिम की बात की जाए नजर नहीं आ रही है। यानी कि थोड़ी सी मुझे लग रहा है ये संघर्ष करती हुई टीम नजर आ रही है जहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंजर्ड हो गए या कुछ एक काम की वजह से इस खेलने के लिए नहीं आई, यही बात होगी जरूर, इसीलिए थोड़े सा संघर्ष करते नजर आ रहा है डीआईसीसी मुंगेर की टीम जहाँ पर व्हाइट का इशारा आ रहा है। रन संख्या मिलाकर 3 रन पर जा पहुंच रही है डीआईसीसी मुगिस की बात के चिंचाली के अंदर सेमीफाइनल के राउंड के अंदर इस मुकाबले के अंदर हारे थे जरूर ये अच्छी टीम है। देखिए मंडनगढ़ के दापुली तालुके के अंदर की बात कीजिए मुगिस टीम बेहतरीन है लेकिन उनके कुछ खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। इस बार गेंद ने काटा बदला था जरूर, गेंद निकल रही है सीधा कीपर के दस्तों में जहां पर स्ट्राइकर बल्लेबाज मुदस्तर और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अरफात जहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अकीब अरफात की बात की जाए गेंदबाजी कमाल की थी। देखिए फिर से एक बार राइट हैम राउंड विकेट के साथ आकिब गेंदबाजी मार्ग पर हो पॉइंट की दिशा में गेंद को ट्रैवल किया, गेंद चौके की तरफ ट्रैवल हो रही है। वन बाउंस थ्री बाउंस सी मारेगा की तरफ चार रनों के लिए मिलेंगे चार तो होगा बेड़ा पार सी मारेगा पर चौकार कमांडेज है। थैंक यू। इस मुकाबले के अंदर जो जीतेगा उस टूर्नामेंट के अंदर बने रहेगा, जो हारेगा उसका घर का रास्ता दही है दोस्तों। देखिए इस मुकाबले के अंदर बात की जो पूरी तरह से मुकाबला सारंग की तरफ झुकता हुआ जहां पर गिरवा हो इस बार अच्छी गेंद देखिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला गेंद को गेंद जब तक देखिए ट्रैवल हो रही है एक रन आसन के साथ दूसरा लेना चाहते है दूसरा रन भी आसन के साथ खराब थ्रो इस बार देखिए रनआउट का मौका बन सकता है जरूर। 3 रन मिलेंगे 3 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर जा पहुंच रही है जहां पर 10 रन होते हुए और पहली ओवर के अंदर देखिए आकिब खराब गेंदबाजी कर रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आ रहे, देखिए संघर्ष करते आ रहे हैं जरूर। इनकी पूरी टीम होती पूरी प्लेइंग इलेवन अगर होती तो नतीजा कुछ अलग होता, लेकिन फिर से एक बार चलते जहां पर इस बार अच्छी गेंद थी ट्रिपल अचित स्टंप उद्वस्त अर्पात बट पहले विकेट का पतन हो रहा है कमांडेज है।
थैंक यू डीजे, थैंक यू। चलते हैं मैच की तरफ, जहां पर कमाल का मुकाबला चल रहा है। देखिए गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी के लिए हम देख ही रहे हैं, जहां पर आकिब गेंदबाजी कर रही है। रन संख्या की बात की जाए, रन संख्या कुल मिलाकर 10 एक विकेट के नुकसान पर। देखिए मुकाबला नॉकआउट मुकाबला है, जो जीतेगा देखिए इस मुकाबले के अंदर बने रहेगा, इस टूर्नामेंट के अंदर बने रहेगा, जो हारेगा उसका घर का रास्ता तय है दोस्तों। देखिए मुकाबला आज का दिन बात की जाए तो सेमीफाइनल का, देखिए इस टीम निकलने वाली इस ग्रुप से, और गिनती के तरीके वहां पर जहां पर फील्डर मौजूद, यानी कि इस मुकाबले की अंदर बात की जाए एक ओवर का खात्मा हो तब रन संख्या कुल मिलाकर 10 बनी है एक विकेट के नुकसान पर। आने वाले गेंदे 12 गेंदों के अंदर देखिए 10 रनों की जरूरत, जहां पर किसके हाथों में थमाए गए ये आने वाला समय बताएगा दोस्तों। मुकाबला कमाल का चलता हुआ बीच मैदान के अंदर, 3 ओवर का मुकाबला जहां पर प्रगति पर चलता हुआ। देखिए 3 ओवर के अंदर 20 रनों का टारगेट सेट किया, जहां पर एक ओवर का खात्मा होता हुआ, एक ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 10 बनी है एक विकेट के नुकसान पर। यानी आने वाले देखिए गेंदे 12 है, 12 गेंदों के अंदर रन बनाने है 10। देख लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गेंदबाजी बात कर फरहाद आ रही है, जबर राइट टू द विकेट, शॉट गेंद को देखिए पुल किया, पुल बनेगा सक्सेसफुल 6 रनों के लिए। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक और षटकार देख, कमाल है। देखिए क्या कमाल का शॉट खेला था, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाव। देखिए लाजवाब शॉट था, देखिए इस बार आखू टप्प्याचा चेंडू, चेंडू वरती प्रहार, चेंडू सीमा पार षटकार। रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या कुल मिलाकर देखिए 16 रन पर जा पहुंच रही है, जहां पर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज फहद को देख रहे हैं। दूसरी ओवर के अंदर पहली गेंद पर का धमाकेदार शॉट था, राइट टर्म और द विकेट के साथ गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर के दिशा में उड़ाया गेंद सीमा रेखा के तरफ 6 रनों के लिए। इस बार फील्डर बनेगी दर्शक, दर्शक बनेंगे दीवाने, मैग्निफिसेंट शॉट। इसके बाद होने वाला मुकाबला दाबोल बना सारंग, दोनों कैप्टन टॉस के लेना है, दाबोल और सारंग। अरे भाई मामला